सो वेलकम बैक गाइज, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे ही गाइज मैंने आपको इस वाली वीडियो में एक क्लिप दिखाई थी अपने ट्रेनिंग ग्राउंड की, इस क्लिप को आप ध्यान से देख लो अगर किसी ने पहले से नहीं देखी है तो। इस क्लिप में हुआ क्या है कि मेरा एम एनिमी के हेड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया है और एनिमी को वन टैप हेडशॉट लग गया। तो उसी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं जल्दी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको कुछ ऐसी क्लिप्स को दिखाऊंगा जिनमें कि मेरा एम या तो एनिमी की बॉडी पे होगा और उसे वन टैप हेडशॉट लग जाएगा, और या तो मेरा एम उससे दूर होगा और फिर भी उसे वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। तो एक क्लिप तो आपने देख ली, ये ट्रेनिंग ग्राउंड की क्लिप है और इसमें मेरा एम शायद से तो एनिमी के हेड के ऊपर नहीं गया है और एनिमी को वन टैप हेडशॉट लग गया है। अभी मैं आपको और क्लिप्स दिखाता हूँ, मेरे पास काफी सारी क्लिप्स है जिनमें कि मेरा एम एनिमी की बॉडी पे होगा और उसे वन टैप हेडशॉट लग गया होगा और मेरा एम कुछ क्लिप्स में एनिमी से दूर है, मतलब कि एनिमी के हेड के ऊपर गया भी नहीं है और उसे फिर भी वन टैप हेडशॉट लग गया है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने फोन के बारे में बता देता हूँ कि मैं कौन से फोन में खेलता हूँ और उसमें मैं कौन सी सेटिंग्स का यूज करता हूँ। तो मेरे पास रेडमी का फोन है नोट 9 प्रो मैक्स और ये 664 वाला वर्जन है। तो सेंसी की बात करें तो जो इन गेम की सेंसिटिव है उसको मैंने फुल करके रखा है जर्नल को, और रेड डॉट मेरी जीरो है। और एक्सटर्नल सेटिंग की बात करें तो एक्सटर्नल में मैं यूज करता हूँ गेमिंग टर्बो की सेटिंग्स, उसमें दो सेंसिटिविटी सेटिंग्स दी गई हैं, उनको मैंने फुल पे सेट कर रखा। और डीपीए वगैरह अगर आप सोच रहे हो तो मैं वो कुछ भी यूज नहीं करता हूँ इस फोन में, मैं जो भी गेम प्ले करता हूँ वो विदाउट डीपीए करता हूँ। तो गाइस अभी मैं आपको क्लिप्स दिखाता हूँ। तो सबसे पहली क्लिप है ये वाली, ये मैं गया था क्राफ्ट लैंड में गेम प्ले रिकॉर्ड करने के लिए और यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा क्लोज में वन टैप हेडशॉट मारा, मतलब कि वन टैप हेडशॉट लग गया मेरा काफी ज्यादा क्लोज में। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं चला कि मेरा एम हेड पे था या फिर बॉडी पे था, पर जब मैं एडिट करने आया तब मैंने देखा कि यार मेरा एम तो एनमी की बॉडी पे है। तो इस क्लिप में मेरा एम था एनमी की बॉडी पे और यहाँ पे जो किल आया था वो आया था हेडशॉट के साथ, मतलब कि बॉडी पे ही रेड नंबर शो हो गए थे। सबसे पहले मैं आपको सारी क्लिप से दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सेकंड क्लिप है ये वाली, ये है लोन वोल्फ का गेम प्ले और इसमें भी मेरा एम एनमी की बॉडी पे था और इसे वन टैप हेडशॉट लगा। और अभी आप इस क्लिप को देखो, ये क्लिप है कस्टम की और इसमें मेरा एम एनमी के हेड के ऊपर गया ही नहीं, मतलब कि एनमी के हेड के ऊपर गया ही नहीं मेरा एम और एनमी को वन टैप हेडशॉट लग गया। एम मेरा एनमी के हेड से दूर रहा और दूर से ही एनमी को वन टैप हेडशॉट लग गया। तो ये मैंने आपको तीन क्लिप्स दिखाई हैं, एक और दिखाई थी ट्रेनिंग ग्राउंड वाली स्टार्टिंग में। तो इन चार क्लिप्स में मैंने अनफेयर वाले वन टैप हेडशॉट मारे हैं और इन क्लिप्स को देख के कोई भी बोल सकता है कि मैं हैक यूज कर रहा हूं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि ये हेडशॉट्स मैंने कैसे मारे हैं, क्या ये कोई ट्रिक है या फिर कोई ग्लिच या फिर कोई बग है, ये क्या है, क्या हैक है या क्या है, मैं आपको सब कुछ बता देता हूं डिटेल में। तो काफी टाइम पहले भी मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं मोंटेज वगैरह बनाया करता था, तो जब मैं एडिट करने बैठता था तब मुझे पता चलता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो मेरा एम है वो एनिमी की नेक के नीचे होता था, या तो वो शोल्डर पे होगा या फिर यहाँ पे होगा चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर, और वहाँ पे रेड नंबर शो करता था और बंदे को वन टैप हेडशॉट लगता था। और गाइज उसी टाइम तूफान एफएफ पे एलिगेशन लगने लगे थे कि वो हैक यूज करता है, और उसके गेम प्ले से जो उन्होंने क्लिप्स उठाई थी उनमें ऐसा था कि उसका एम एनिमी की नेक के नीचे था और वो रेड नंबर शो कर रहा था। तो उसको भी काफी सारे बंदों ने एक्सपोज किया था कि इसका एम एनिमी के हेड के ऊपर है ही नहीं और फिर भी ये रेड नंबर शो कर रहा है, तो ये हैक यूज कर रहा है। गाइज चलो कोई ना, हेड के नीचे या फिर चेस्ट के थोड़ा सा ऊपर ये तो चल जाता है, पर मेरा एम तो एनिमी की बॉडी पे है और फिर भी ये रेड नंबर शो कर रहा है, ये कैसे है? तो गाइस इन सभी का सिंपल सा आंसर है, जिन भी क्लिप्स में मेरा एम एनिमी के पेट पे है और उसे रेड नंबर शो हो गया, या फिर जिन भी क्लिप्स में मेरा एम एनिमी से दूर है और उसे वन टैप हेडशॉट लग गया है, तो इन सभी का सिर्फ एक ही आंसर है। तो गाइस इसका सिंपल सा रीजन है एल्गोरिथम, मतलब कि जैसे कि हम गेम खेलते हैं तो अंदर गेम के अंदर एक एल्गोरिथम सेट किया जाता है कि जब भी हम खेलते हैं, हम ग्लू वॉल लगाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो वो एल्गोरिथम अपने हिसाब से शो करता है। तो वैसे ही एक एल्गोरिथम ऐसे सेट किया गया है कि जब हमारा एम, मतलब कि गेम में हमारा एम एनिमी के हेड के ऊपर जाएगा तो वो रेड नंबर शो करेगा, एनिमी को हेड शॉट लगेगा। पर गाइस सीन क्या है कि ये एल्गोरिथम है फ्री फायर का, और फ्री फायर का एल्गोरिथम उतना अच्छा नहीं है, काफी सारी ग्लिचेस हैं, काफी सारे बग हैं फ्री फायर में, तो ये एल्गोरिथम उतना अच्छा नहीं है। और एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, तो जो हम कैमरा लैग करने के लिए मूवमेंट यूज करते हैं ना, थोड़ा ज्यादा डीपे कर लिया, सेंसी ज्यादा लगा ली, उसके बाद अपनी स्क्रीन को जोर जोर से घुमाया, तो ऐसा करने पे भी जो बंदा हमें ऑब्जर्व से देखता है उसको लैग 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 दिखाई देता है, मतलब कि लैग करने वाली मूवमेंट दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि उसका फोन लैग हो रहा है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि एल्गोरिथम अच्छे से समझ नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब हम स्क्रीन को जल्दी 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 रोटेट करते हैं तो एल्गोरिथम को पता नहीं चलता कि मैं क्या दिखाऊं, फिर वो उल्टा सीधा कुछ भी दिखा देता है। तो वही सीन है यहाँ पे कि मेरा एम एनिमी की बॉडी पे है और इसे रेड नंबर शो हो रहे हैं। इन क्लिप्स में मैंने बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव
ट्राई किया और एल्गोरिथम अच्छे से समझ नहीं पाया कि मेरा एम एनमी के हेड के ऊपर गया या फिर पेट के ऊपर गया और उसने रेड नंबर शो कर दिया। मतलब कि एल्गोरिथम को ऐसा लगा कि एम हेड के ऊपर पहुंच गया पर एम पेट पे था और उसने रेड नंबर शो कर दिया। और जिन क्लिप्स में मेरा एम एनमी के हेड से दूर है वहां पे भी एल्गोरिथम का ही यही सीन। तो ये सब फ्री फायर में होता रहता है, पर ये जो मैंने आपको क्लिप्स दिखाई ये 100 में एक आध क्लिप में ही ऐसा होता है, बार बार ऐसा नहीं होता है। और ये जो अभी मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ ये ट्रेनिंग ग्राउंड का फोटो है और इसमें आप देख सकते हो कि मेरा एम एनिमी के हेड के ऊपर है और इसके यहाँ पे बॉडी शॉट लगा। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि ये सब एल्गोरिथम का लोचा है और बाकी आपका भाई बिल्कुल फेयर प्लेयर है।